आर ए एफ ए यू टी, कल कुछ न्यूज चैनल ने इनका नाम भी रफाउट नामक एक कंपनी है, रफाउट के साथ ज्वाइंट वेंचर किया संजय भंडारी की कंपनी ओ आई एस ने, और ज्वाइंट वेंचर करने के बाद बैकडोर से कोशिश की किसी भी कीमत पे Dassault के साथ ऑफसेट क्लॉज में सेटिंग बैठा के उसमें एंट्री करे। एक बड़ा अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, उन्होंने इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट किया कि बहुत प्रेशर है Dassault के ऊपर कि किसी भी कीमत पर एडजस्ट करना है संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के लोगों को और इस कंपनी को ओआईएस को। मगर जब ओआईएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कराई कि आखिर इस, जब Dassault ने ओआईएस की इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कराई कि आखिर ये ओआईएस हमारा जो मांग कर रहा है ऑफसेट में उसके काबिल है कि नहीं, और जांच कराई तो पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पाया कि वाड्रा के साथ संलिप्त है, तो Dassault इन फैक्ट बिकेम क्वाइट एडमंट दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ डील विद दिस शेडी कंपनी ओआईएस, और इसी कारण से यह डील पूरी तरह से स्क्रैप किया यूपीए की सरकार ने, क्योंकि उनके दामाद को इसमें ऑफसेट नहीं मिल रहा था। 10 वर्षों तक देश के साथ खिलवाड़, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़, केवल और केवल अपने परिवार में अगर कमीशन नहीं मिलेगा, पैसा आके 10 जनपद और रॉबर्ट वाड्रा तक नहीं पहुंचेगा तो देश में स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। अरे देश की सिक्योरिटी के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जवाब कौन देगा?